This video is sponsored by WeGuard. अबे दुबे लेगेसी आप छोड़कर गए और राहुल गांधी तो कहते हैं स्टेट ऑफ माइंड है, गरीबी है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती। गरिमा जी, प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोलते हैं तो आवाज भारी रख लेते हैं और फिर अगले झूठ की तैयारी रख लेते हैं। प्रधानमंत्री जी, चुनाव जब आते हैं तो भाजपा को सत्ता की भूख ऐसी सताती है कि मनगढ़ंत कहानी किससे सुनाने लगते हैं। आपने इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ा खुद का प्रधानमंत्री जी 2016 का? पढ़िए तो सही एक बार। पहले पैराग्राफ में आपने लिखा है कि जो आजादी के समय भारतवर्ष में गरीबी 70% थी, वो जनवरी 14 तक घटकर 20% रह गई थी। इसका अर्थ क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी की सरकारें, हाँ बशर्ते आपकी भी सरकार उस समय कुछ समय अटल जी की थी, और जितनी भी सरकारें थी उनकी कोशिश से ये हमने सफलता अर्जित की कि हम गरीबी को इस हद तक कम करने में कामयाब हुए। प्रधानमंत्री जी, जिस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की आप बात कर रहे हैं, वो किस बेसिस पर रिपोर्ट तैयार की है? वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो 19 से 21 के बीच आया। पिछले साल ही तो आपने उसी बेसिस पर यह रिपोर्ट तैयार की थी कि 37.36% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। एक साल में ऐसा क्या किया देश जानना चाहता है कि उसी रिपोर्ट की बुनियाद पर 20% आपने गरीबी को कम कर दिया कागजों पर, जबकि आपके एनएसएसओ ने बताया कि किसानों की आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन रह गई। आपके लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का जो रिपोर्ट फन के साथ मन को जगाओ। WeGuard वाटर हीटर्स के संग WeGuard आती है लेबर मिनिस्ट्री की, उसने बताया कि वो 45 वर्षों की सबसे निचले स्तर पर बेरोजगारी की दर है। आप ही के एनएसएसओ ने बताया था कि जो रूरल कंजम्पशन है वो 70 के दशक के बाद 580 रुपए रह गया। उसका कारण आपने बताया कि गरीबी इतनी बढ़ गई कि ग्रामीण भारत ने अपने खाने में कमी कर दी, वो जो रोज भोजन करता है उसमें कमी करके 580 रुपए रह गई। ये हमने तो नहीं बताया। लेकिन अभय दुबे बड़ी कन्वीनियंटली, अभय जी आप बड़ी कन्वीनियंटली इसी ग्लोबल हंगर इंडेक्स को, यही ग्लोबल हंगर इंडेक्स जिसको लेकर अभी पूरी कांग्रेस लामबंद हुई सरकार के खिलाफ, उसी ग्लोबल हंगर इंडेक्स को 2011 में आप भी खारिज कर रहे थे और आप तो ये कह रहे थे कि 32 रुपए कमाने वाला व्यक्ति गरीब ही नहीं है। अरे गरिमा जी मत कीजिए, इनको पेट में पचती नहीं है। ये कहते हैं कि विदेशी रिपोर्ट के हवाले से बात, मैं सारी देसी रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं गया। क्या कह रही है इनकी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का एक ही डेटा उठाकर देख लीजिए, एनीमिक चिल्ड्रन देख लीजिए 5 से 59 महीने का। वो क्या कह रहा है कि जो 58% था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में 15-16 के में जो हुआ था, उसमें बढ़कर 67% हो गया। और मतलब बच्चों में खून की कमी हो गई, एडल्ट वुमेन में खून की कमी हो गई, अंडर नरिश हो गए, कुपोषित हो गए, लेकिन साहब देश अमीर हो गया। हाँ हुआ प्रधानमंत्री जी अमीर। ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने बताया कि 10 अमीरों की हिंदुस्तान में नेटवर्थ 27 लाख करोड़ रुपए हो गई। जिसमें आप कहते थे आपदा में अवसर ढूंढिए, उस समय क्या हुआ प्रधानमंत्री जी? 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए कमाए और 84% लोगों की आमदनी घट गई, 12 करोड़ ने रोजगार खो दिए। और ये सिर्फ कोविड के पीछे छुपने की कोशिश मत कीजिए। मिंट स्ट्रीट मेमो की रिपोर्ट ने बताया कि नोटबंदी का गलत निर्णय और गलत तरीके से जीएसटी लागू करने से हिंदुस्तान का एमएसएमई तबाह हो गया, और ये सुनियोजित रूप से हिंदुस्तान पर आक्रमण किया। चीन से $100 बिलियन का इंपोर्ट करके आपने भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। अब आप ढिंडोरा पीटते हैं कि वो तो साफ कांग्रेस की सरकार है दोषी है, आपके मंत्री कहते फिरते कि जो महंगाई है, ठीक है अभय दुबे आपके सारे आंकड़े सुन रहे हैं डॉक्टर गुरु, लेकिन 2013 में चुनाव से ठीक पहले इतने लंबे शासन के बाद आपको फूड सिक्योरिटी एक्ट की याद आती है कि इस देश का गरीब भूखा है और कम से कम उसे 2 वक्त का अनाज मुहैया हो। 2013 में आप फूड सिक्योरिटी एक्ट लाके वही काम कर रहे थे कि 80 करोड़ लोगों को आप सब्सिडाइज्ड फूड दे रहे थे। अच्छा, खाने को अन्न नहीं था। बहुत अच्छा किया, मैं साधुवाद देता हूं कि आपने याद दिलाया। तो एक झूठ पहले और बेनकाब कर दूं जो प्रधानमंत्री जी भाषणों में कह रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी भाषणों में कह रही है। आज पूरा देश गौर से सुन ले कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इन लोगों ने बंद कर दी है, ताला लगा दिया है उस पर। वो अन्न योजना वो थी जो कांग्रेस पार्टी 2013 में फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर आई थी, उसके अलावा 5 किलो देते थे, वो तो बंद कर दिया। तो जो 2 और 3 रुपए में गेहूं और चावल दिए जा रहे थे, सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने उसको मुफ्त किया है। उस पर बर्डन 2600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त देश को आ रहा है। ये 1,90,000 करोड़ का आंकड़ा जो झूठ परोस रहे हैं वो बिल्कुल गलत और व्यर्थ है। कांग्रेस पार्टी ने कहा था देखिए इससे अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, जो जितनी बातें हम कर रहे हैं, हम चाहे वो 400 रुपए में। प्रधानमंत्री जी से पूछिए गरीब किया किसने? 32 लाख करोड़ रुपए का डाका पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर टैक्स लगाकर आपने डाला। 400 का सिलेंडर 1000 के पार किसने किया? आपने किया। बताइए इंटरनेशनल मार्केट में सऊदी अरामको में जब गैस के भाव तय होते हैं वहां कहां बढ़े थे जो आपने इतने बढ़ा दिए? आप बताइए क्रूड ऑयल के प्राइस तो $20 पर बैरल तक पहुंच गए थे, तब भी आपने 100 रुपए के पार पेट्रोल और डीजल कर दिया। जब हिंदुस्तान में 25 मिलियन टन दाल का उत्पादन हुआ प्रधानमंत्री जी, तो 230 रुपए कैसे पहुंच गई? कौन दो धन्ना सेठ थे जिन्होंने पल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से समझौता किया उसके बाद? नहीं, लेकिन अभय दुबे आप ये नहीं बताएंगे। अभय दुबे ठीक है, बहुत सारे सवाल आपके जायज हो सकते हैं, गुरु भी बहुत सारी बातें जायज कहते हैं, लेकिन ये नहीं बताएंगे आप कि आप ही का योजना आयोग कह रहा था कि 32 रुपए शहर में खर्च करने वाला आदमी गरीब नहीं है। 32 रुपए, 5 रुपए में भरपेट खाना दिला रहे थे आपके नेता। ये आलम है गरीबी पर सियासत का और संजीदगी का। गरिमा जी आप तो जाइए, सड़कों पर जाइए और पूछ लीजिए क्या कांग्रेस के समय महंगाई थी और आज के समय महंगाई है? मुद्रा के 40 करोड़ लोन में से आपने ठीक कहा 32 करोड़ शिशु कैटेगरी को एवरेज 30,000 रुपए का लोन दिया। वो पकोड़े का ठेला भी नहीं, ठेला कितने में मिलता पूछिए। इन्फ्लेशन दहाई के अंकों में था अभय दुबे, में याद दिला दूं आपको। उनको 10 साल की आपकी यूपीए सरकार में जिस इन्फ्लेशन की आप बात कर रहे हैं वो 10.52% तक पहुँचा, लेकिन ये गरीब के नाम पर टोपी ट्रांसफर इस देश में चल रहा है। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वीगार्ड।